वेल गाइज, तो फाइनली WWE NXT का ट्यूजडे नाइट शो ओवर हो चुका है। और गाइज, आज यहां पर फाइनली WWE के NXT के ऊपर द अंडरटेकर ने WWE NXT पर उनका डेब्यू कर दिया है। गाइज, आज NXT के मेन इवेंट के ऊपर हमें यहां पर ब्रॉन बेकर और कार्मेलो के बीच में 1-on-1 सिंगल मैच देखने को मिला। जहां पर आज इन दोनों के इस मैच के अंदर पॉल हेविन ब्रॉन बेकर के साथ रिंग साइड एरिया पर होते गए, तो वहीं जॉन सीना कार्मेलो के साथ रिंग साइड एरिया पर होते गए। जहां पर वैसे तो इन दोनों के इस मैच के अंदर शुरुआती 5 मिनट के अंदर काफी फेयर रेसलिंग होती गई, बट गाइज इसके बाद इस मैच के अंदर ब्राउन बेकर स्टील स्टेप के साथ कार्मेलो पर अटैक करने की कोशिश करते गए, जिसके जवाब में जॉन सीना स्टील स्टेप को हटा देते गए। और जॉन सीना अभी यहां पर ब्राउन बेकर का सामना कर ही रहे होते गए, तभी सडनली ब्लड लाइन के मेंबर सोलो सकुआ NXT पर अराइव हो जाते गए और वो यहां पर जॉन सीना पर अटैक कर देते गए, जिसके बाद की जॉन सीना और सोलो सकुआ ब्रॉल करते करते WWE के बैक स्टेज एरिया पर चले जाते गए। और इसके बाद फाइनली मैच के एंडिंग के ऊपर कार्मेलो ब्रॉन बेकर पर उनका फिनिशर यूज करके मैच को जीत जाते गए। बट गाइज, यहां पर मैच के ओवर होने के बाद ब्रॉन बेकर कार्मेलो के ऊपर अटैक कर देते गए। और गाइज, यहां पर शो के एंडिंग के ऊपर ब्रॉन बेकर अपने आप को बैडेस्ट ऑफ ऑल टाइम बताते गए। और गाइज, जैसे ही ब्रॉन बेकर अपने आप को बैडेस्ट कॉल आउट करते गए, अरीना के अंदर सडनली मोटरसाइकिल का म्यूजिक प्ले होता है। और गाइज, सच में आज NXT के ऊपर द अंडरटेकर NXT पर डेब्यू करते गए, जहां पर अंडरटेकर रिंग में आकर उनका प्रोमो कट करते गए और वो यहां पर ब्रॉन बेकर से ये कहते गए कि ब्रॉन बेकर का फ्यूचर काफी ब्राइट होने वाला है और एक दिन वो WWE के अंदर बैडेस जरूर बनेंगे। बट गाइज, जब तक यहां पर अंडरटेकर WWE के अंदर है, ब्रॉन बेकर बैडेस्ट ऑफ ऑल टाइम नहीं बन सकते गए। और इसके बाद आज NXT के ऊपर अंडरटेकर ब्रॉन बेकर के ऊपर चोक स्लैम हिट करते गए और NXT के एंडिंग के ऊपर अंडरटेकर कार्मेलो के साथ सेलिब्रेशन करते गए।